जब आसपास के लोग आपको देखते रह जाएंगे। तब आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है जब आपके आसपास वाले, आपके साथ वाले प्रोग्रेस कर रहे होते हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते, जिंदगी में वहीं के वहीं अटक के रह जाते हैं। तब आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके साथ वालों का एग्जाम में सिलेक्शन हो गया लेकिन आपका नहीं हो पाया, या फिर आपके साथ वालों की जॉब लग गई आपकी नहीं लग पा रही, आपके साथ वालों में कोई फॉरेन जा रहा है, कोई अपने फादर के बिजनेस में हेल्प कर रहा है, सब लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम पे ना अंदर से निराशा आने लगती है, सोचने लगते हैं कि अब क्या बचा है जिंदगी में, मैं अपने आप को खत्म क्यों ना कर लूं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आज की ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे एक लड़का था, उसके साथ वाले सभी प्रोग्रेस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे लेकिन उसका कुछ नहीं हो पा रहा था, वो कोशिशें कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। तो इसी तरह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं, यहां से कहीं दूर चला जाऊं। तो एक दिन वो अपना घर छोड़ता और जंगल की तरफ निकल जाता। चलते 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 जब वो थक जाता है तो वो एक जगह थक के हार के बैठ जाता है। तो वो अपने आप से बात करने लगता है, वो कहने लगता है कि हे भगवान, हे खुदा, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, रीजन क्या है, मुझे कारण बताओ, नहीं तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं अपने आप को खत्म क्यों ना कर लूं, मैं निराश होते जा रहा हूं, मुझे बताओ। पता है जब अंतिम क्षण होते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है, जवाब आते हैं, बस सुनने वाला चाहिए कोई। तो उसके अंदर से भी आवाज आई और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे क्षणों में जब अंदर से आवाज आती है ना तो वो मैसेज, वो संदेश ऊपर वाले का होता है। तो उसको अंदर से आवाज आई कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत निराश लग रहे हो, तुम आसपास क्यों नहीं देखते, क्या पता आसपास देखने से तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, जिस वजह से तुम निराश हो उस निराशा से तुम बाहर निकल जाओ। तो वो आसपास देखता है, इधर उधर देखने से इस तरफ उसे एक झाड़ी नजर आती है, एक लंबी चौड़ी ऊंची झाड़ी, हरी भरी। और जब वो इस तरफ देखता है तो एक छोटा सा बीज धरती की छाती फाड़ के बस अंकुरित हो रहा होता है। तो वो दोनों चीजें जब वो देखता है तो वो पूछता है कि इससे आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मैं अपना सॉल्यूशन कैसे निकालूं लाइफ का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप समझाओ। तो फिर आवाज आती है कि मेरे बच्चे, ये दोनों चीजें जो आप अभी देख रहे हो, एक तरफ झाड़ी देख रहे हो, एक तरफ छोटा सा अंकुरित बीज देख रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन दोनों को एक ही समय पर लगाया था? जी हां, एक ही समय पर लगाया था। और जब उसने सुना कि एक ही समय पे लगाया था तो उस साइड में जो झाड़ी थी उसने तो बहुत प्रोग्रेस कर ली, वो बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन बीज एक ही समय में लगाने के बावजूद भी अभी अंकुरित हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस इतनी कम क्यों? उसके मन में ये, दिमाग में ये सवाल आता है। तो फिर जवाब मिलता है उसे कि मेरे भाई, ये झाड़ी है, जब ये ऊपर प्रोग्रेस कर रही थी तो जो अंकुरित बीज आपको दिख रहा है ये बैंबू का बीज है, वो अपने आप को इनर प्रोग्रेस कर रहा था, वो अंदर से बढ़ रहा था, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, जिंदगी के थपेड़ों को झेल रहा था और अपने आप को अंदर से मजबूत कर रहा था, और अब वो तैयार है, वो अभी बाहर निकला है। आप इन दोनों की प्रोग्रेस का कंपैरिजन मत करो, झाड़ी ऊपर बढ़ी तो ये बीज अंदर से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, और जब कोई अंदर से अपनी जड़ों को मजबूत कर लेता है उसके बाद जो उसकी आउटर प्रोग्रेस होती है ना वो बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आपने कभी चाइनीज बैंबू के बारे में सुना है तो चाइनीज बैंबू की इंटरनल प्रोग्रेस के लिए, यानी कि जड़ों की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, उसकी इंटरनल प्रोग्रेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसमें सालों साल लग जाते हैं, लेकिन एक बार चाइनीज बैंबू का बीज धरती का सीना चीर के बाहर आ जाए तो उसके बाद उसकी प्रोग्रेस आप नेकेड आईज से देख सकते हो। Within 24 hours, 24 घंटे के अंदर अंदर वो 60 से 70, 80, 90 फीट तक ऊपर जा सकता है। भले ही उसने अपनी जड़ें मजबूत करने में सालों साल लगा दी हूं, लेकिन एक बार जब वो धरती की छाती फाड़ के बाहर आया तो उसके बाद जो उसकी प्रोग्रेस हुई वो अनबिलीवेबल अल्टीमेट थी। अब इसे ये सीखने को मिलता है कि पहली बात, आप अपनी प्रोग्रेस से किसी और की प्रोग्रेस की कंपेरिजन मत करो, सबकी कंडीशन सेम नहीं होती। दूसरा, भले ही दूसरे प्रोग्रेस कर रहे हो
आप भी जो अपनी जिंदगी में कर रहे हो, सफल हो रहे हो असफल हो रहे हो, वो आपको मजबूत बना रहा है। क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छा रखा हो, बहुत अच्छा रखा हो, लेकिन सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए वो आपकी परीक्षा ले रहा हो। लेकिन एक दिन वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जब आप पूरी तरह से तैयार हो गए, तो आपको वो उस लेवल की प्रोग्रेस देगा जब आसपास के लोग आपको देखते रह जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि निराश मत हो जिंदगी में, कुछ नहीं मिल पा रहा है तो धैर्य रखो, आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे ही सही। एक दिन ऐसा आएगा जब आप धैर्य रखोगे और हार नहीं मानोगे, तो उस दिन ऊपर वाला भी आपके लिए किस्मत के सारे दरवाजे खोल देगा। इसीलिए वो कहते हैं ना कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बहादुर होते हैं, डटे रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। सो डू नॉट क्विट।